महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रेरी की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने मौन व्रत रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया। टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दिया। कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रेरी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक विचारधारा थे। देश की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सबसे अहम भूमिका रही है। इनके नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिली। हम ऐसे हैं सत्य और अहिंसा के सच्चे पुजारी को आजीवन याद करते रहेंगे। इनके बताए रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हैं। यही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर भारी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी ने कहा, गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर द्वारा 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मौन व्रत कर रखकर उनको श्रद्धांजलि देने का काम हम लोग कर रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज फिर देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें बहुत तेज़ी से पनप रही हैं जो लोगों को जात धर्म क्षेत्र और भाषा के नाम पर एक विभेद पैदा करके राजनीतिक सत्ता के लिए एक आपसी मनमुटाव करने का काम कर रही है। और इन्हीं ताकतों के द्वारा गांधी जी की हत्या भी की गई। लेकिन गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक विचार थे। गांधी एक दर्शन पूरी दुनिया में जिसको पूरी दुनिया ने माना। यूएनओ ने भी उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। आज भले ही गांधी जी का शरीर हमारे बीच में नहीं है लेकिन जब तक ये देश रहेगा हिंदुस्तान रहेगा। बल्कि हिंदुस्तान में ही नहीं इस देश की सीमा से आगे पूरे विश्व में गांधी के विचार हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और लोगों को प्रेरणा देने का काम करते रहेंगे। आपस में समाज के अंदर भाईचारा बनाने का काम करेंगे और वास्तविकता लाने का काम करेंगे। यथार्थ को मतलब सार्थक करने का काम करेंगे। गांधी जी भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं उनके विचारों पर हम सदैव चलते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए इस देश के अंदर सामाजिक समरसता लाते हुए आपसी प्रेम भाईचारा बढ़ाते हुए देश को प्रगति के पथ पे आगे ले जाने का काम करेंगे।